गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको सेवन्थ क्लास के सोशल स्टडी सम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमने बहुत से पढ़े, इकोसिस्टम, लेक सिस्टम, द बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ इन इन्वायरमेंट, मानव और मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। ह्यूमन आर द ओनली स्पेसीज दैट हैज इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट। मानव ही एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत बहुत ही मानव ही एक ऐसी प्रजाति जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव प्रकृति पे पड़ रहा है। इन देयर एफर्ट टू मेक लाइफ फॉर कंफर्टेबल, सेफ एंड प्रोग्रेसिव, ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग फॉर सेंचुरीज। मानव अपने जीवन को और भी सुरक्षित, आरामदायक और उन्नत बनाने के लिए लगातार अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उनका शताब्दियों से दोहन करता आ रहा है। एंड इन द लास्ट वन सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज मेड दिस एक्सप्लोटेशन इवन मोर रूथलेस एंड डिस्ट्रक्टिव। और पिछली एक शताब्दी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी इतनी उन्नत हो गई है जिसके द्वारा पृथ्वी का बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इट्स एक्स्ट्रा। ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानव क्रियाकलाप जैसे कि एग्रीकल्चर है, खेती है, इंडस्ट्री उद्योग धंधे है, ट्रांसपोर्ट यातायात है और कंस्ट्रक्शन इमारत बिल्डिंग एंड भवन निर्माण उद्योग आदि सभी हैव एडवर्सली अफेक्टेड द इन्वायरमेंट इन मैनी वेज विच नाउ पोज ए ग्रेव थ्रेट टू इन्वायरमेंट द फॉरेस्ट। और इन सभी का प्रतिकूल प्रभाव इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जो विभिन्न तरीके से गंभीर रूप से हमारे इन्वायरमेंट को नष्ट कर रहा है। द फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, जंगल भी सब समाप्त हो रहे हैं। द पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू रैपिड क्लाइमेटिक चेंज एंड पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर हैज रीच्ड डेंजरस लेवल। साथ में ही पोलर आइस कैप्स यानी ध्रुवीय प्रदेश में जो आइस बर्फ के जो बर्फ कैप्स है वह सभी पिघल रहे हैं और प्लांट्स, जानवर ये सभी भी खतरे की लाइन से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वो सभी समाप्त हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज यानी कि पर्यावरण में, जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन में लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा मिट्टी का प्रदूषण, जल प्रदूषण और एयर यानी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है जिससे कि पृथ्वी या पर्यावरण खतरे के लेवल तक पहुँच गई है। वी देयरफॉर नीड टू टेक मेजर टू स्टॉप द एनवायरमेंटल डैमेज इमिडिएटली इफ वी आर टू लीव ए हेल्थी प्लानेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अगर हमने इस इन्वायरमेंट डैमेज को यानी पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका, जल्दी से ही खत्म नहीं किया तो आने वाले समय में हम अपने भविष्य में होने वाली पीढ़ियों को एक हेल्थी प्लानेट जो हमारा अर्थ है, लाइव प्लानेट जो हमारी पृथ्वी है, वह हम उन्हें प्रदान नहीं कर पाएंगे। थैंक्स।